और जम्मू कश्मीर के मेंबरों पर ओआईसी राबता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर जम्मू कश्मीर पर ओआईसी राबता ग्रुप के मेंबरान ने न्यूयॉर्क में गैर रस्मी मुलाकात की। इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर मुनीर अकरम और सऊदी अरब, नाइजीरिया और आजरबाइजान के मुस्तकिल नुमाइंदों ने शिरकत की। ओआईसी सेक्रेटरी जनरल की आगेशन मेहदी यूफ ने कहा, राबता ग्रुप के मेंबरान ने जम्मू कश्मीर कंट्रोल लाइन पर इंसानी हकूक की पामाली और इंसानी सूरत हाल में तनाव में हालिया पेशरफ्तों का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान में आरएसएस के नुमाइंदे बीजेपी हुकूमत ऐसी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है जिसे ये हुक्मरान हतमी हल समझते हैं। मार्च से लेकर अब तक 16 लाख हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है, जिसका मकसद कश्मीर की आबादी को एक मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करना है। गुज़िश्ता माह ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 18 खुसूसी मैंडेट होल्डर्स के मुश्तरका राबते में भी कश्मीर में फ्री इंसानी हकूक की सूरत हाल को आज़ाद जवाल करार दिया था। ओआईसी फॉलसी के उसूली मौकफ की तौसीक करते हुए राबता ग्रुप के तमाम अरकान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक की भारत की तरफ से जारी खिलाफ वर्जियों पर बात की और गहरी तशवीश का इजहार किया। ग्रुप मेंबरान ने वजीर खारिजा पाकिस्तान की सिफारिशात की मुकम्मल तायद की। राबता ग्रुप ने अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसल से भी ये कहा कि वो भारत को मकबूजा और जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों को रोके और 5 अगस्त 1919 के एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम को मनसूख किया जाए।